अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 शुरू किया हुआ, मेरी आवाज़ सुनो सबक नंबर 11, जिसमें ज़मीन जब अपने बारे में बताती है कि उसको किस किस तरह से वो गुजर के, किन किन हालात से या किन किन स्टेप से गुजर कर आई है। ठीक है, तो हम लोगों ने इन चैप्टर को कम्प्लीट रीडिंग भी कर ली है और हम लोगों ने इसके जो है वो मश्की सवालात भी तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। सवाल नंबर 10 तक हम लोगों ने मुकम्मल कर लिए थे, सवाल नंबर 11 और 12 आज हम लोग इंशाल्लाह कम्प्लीट करेंगे। तो सवाल नंबर 11 में है, जिस उस्ताद और शागिर्द के माबेन माहौलियात लुदी के मौसम पर एक मुकालमा लिखें। तो उस्ताद और शागिर्द ये दोनों आपस में बात करें माहौलियात लुदी के बारे में। ठीक है, माहौलियात लुदी मतलब कि आप लोग पढ़ते आए हैं इस चैप्टर में, आप लोगों ने पढ़ा कि अब माहौल को किस तरह से आलूदा हो रहा है, माहौल तो माहौल को किस तरह किस किस सीज़न से आलूदा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो आप लोगों ने उस्ताद और शागिर्द के माबेन एक मुकालमा लिखना है, दोनों के दरमियान बातचीत हो रही हो कि माहौल, यानी स्टूडेंट पूछ भी सकता है शागिर्द के माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजूहत क्या हैं, उसकी इकसाम आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आते हैं जवाब की खूबसूरत में, या जिस भी तरीके से आप लोग उस्ताद और शागिर्द के माबेन एक मुकालमा तहरीर करेंगे और उसको आप लोग ग्रुप मेरे नंबर पर शेयर कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा सवाल नंबर 12 है, मिसाल की रोशनी में तलाजमत लिखें। तलाजमत क्या होती है, किसी भी जगह से रिलेटेड आप लोगों के जहन में क्या क्या चीज़ें उस जगह से मुतालिक आती हैं। जैसे स्कूल हो तो स्कूल में आप लोग क्या क्या चीज़ें देखते हो, उस्ताद, हेडमास्टर, तालब इलम, लाइब्रेरी, जमात के कमरे, डेस्क और तख्ता, तहरीरें, तख्ता से वगैरह। तो उसके अलावा अब आपके पास दो जगह बताई गई हैं, तो आप लोग उसके जहन उसको सोच से, यानी उस जगह के बारे में आप सोचें तो आपके जहन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे बाग है, तो बाग में क्या क्या चीज़ें आप लोग देखते हैं, बाग में आप लोग देखते हैं फूल, घास, दरख्त और टेबल, वो डेस्क वगैरह जो होते हैं, बेंच, और आप लोग कह सकते हैं उसके अलावा आप लोग वहाँ पे परिंदे देखते हैं, तो और भी जो भी चीज़ें आप लोग के जहन में आती हैं, खुशगवार माहौल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मतलब जहाँ जो आप लोग उस बाग में देखते हैं या उसको नज़र आती हैं, आपके जहन में कुछ ख्याल आते हैं उसके, वो तो सारी चीज़ें तलाजमान आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा अस्पताल है, अस्पताल में आप लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, डॉक्टर, नर्स, मरीज़, अद्वियात, उनके मरीज़ यानी उनके जो बेड होते हैं, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर आप लोग देखते हैं और जो भी इस तरह की चीज़ें, तो जो भी आपके जहन में और इसके अलावा है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे 5 से 6 चीज़ें आप लोग तलाजमात के तौर पे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों सवाल आते हैं, सवाल नंबर 11 आप लोग नोटबुक पे लिख के मुझे सेंड करेंगे और सवाल नंबर 12 आप लोग बुक के ऊपर लिखेंगे, उसको याद करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।